गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजकुमार यादव और आज मैं आपको चैप्टर 11 जो चैप्टर 12 सॉरी दैट इज 3D ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि टू डायमेंशनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते थे आप, जैसे एक्स और वाई, एक तीसरा एक्स और वाई के साथ एक तीसरा स्टार्ट हो गया, दैट इज एक्स वाई एंड दिस वन इज जेड। ये दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैं इसको यहां बना सकता हूं x, ये y और ये z, राइट। सो गाइस, यहां पर हम देखेंगे कि इनके बीच में ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं। आप देखने पे लगेगा कि ये ऑब्ट्यूज है, बट ऑब्ट्यूज नहीं है, ये बेसिकली ये परपेंडिकुलर है लाइक दैट, ये इस तरीके से है, लेकिन हमें इसको ऐसे बनाना पड़ेगा फिलहाल दिखाने के लिए। तो ये 90 है और ये भी 90 है, एक दूसरे से 90 एक्सिस पर होती है एक्स और वाई। इसके अलावा ये जो प्लेन है उसे हम एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, ठीक, इसको हम वाई जेड प्लेन बोलेंगे और इसको हम एक्स जेड प्लेन बोलेंगे, राइट। यहां पर ये एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन और ये एक्स जेड प्लेन, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात हमारे सामने आती है कि अगर जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे कोई है तो क्या उसके टाइप होंगे, क्या तरीका होगा लिखने का। तो इट विल बी ऑफ लाइन a00 की फॉर्म होगा, क्योंकि y भी जीरो होगा और z भी जीरो होगा, यू कैन सी इजीली एक्स एक्सिस पर केवल a डिनोट होगा, राइट। अगेन अगर जो यहां पे कोई पॉइंट है xy पे तो इट मे बी a बी बट z विल बी जीरो। एक्स वाई प्लेन पे कुछ ना कुछ हो सकता है, एक्स हो वाई हो, पर जेड जीरो ही होगा हमेशा, राइट। तो आप इसमें देख सकते हो, एक तो पहला पार्ट तो ये हो गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से। अच्छा, इसमें बात आती है कि जैसे आपने टू डायमेंशनल में चार कोऑर्डिनेट आपने पढ़े थे, आपने चार कोऑर्डिनेट ऐसे पढ़े थे एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश, आप फर्स्ट बोलते थे, सेकंड बोलते थे, थर्ड बोलते थे और फोर्थ बोलते थे, राइट। अब बात आएगी कि थ्री डायमेंशनल में आठ होते हैं, ऑक्टेंट होता है उसको, क्वाड्रेंट की बजाय ऑक्टेंट बोलेंगे, आठ ऑक्टेंट। अब वो कैसे समझने की कोशिश करो आप, पहले आप टू डायमेंशनल में जाओ तो आप एक्स इधर जाते थे तो पॉजिटिव, इधर जाते थे तो माइनस, वाई ऊपर जाते थे तो प्लस और नीचे जाते थे तो माइनस, राइट। तो आप देखोगे यहाँ प्लस और प्लस होता था, अभी तीसरा मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, समझ रहे हो। तो यहां पर एक बात आपको सीखनी चाहिए, इधर जाते थे तो आप माइनस और ये प्लस, फिर इस वाले में दोनों माइनस होते थे, राइट। तीसरा भी इंट्रोड्यूस करना बाकी है और इसमें इधर प्लस जाते थे फिर नीचे की तरफ माइनस वाई के लिए और जेड के लिए मैं बताऊंगा। तो ये आप ऐसे समझो कि आठ कैसे हो गए, तो फर्स्ट फोर ही तो हो गया अभी क्योंकि ये टू डायमेंशनल था। अब आपने करना क्या है कि जैसे आप ऐसे समझो कोई भी एक केक है जो कि एक क्यूब की शेप में केक है और आपने उस पर बीच में प्लस का निशान लगाया नाइफ से, राइट। तो इट विल बी फोर ऑन द टॉप, चार ऊपर का पार्ट हो गया 1 2 3 4 और एक जो नीचे का पार्ट होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी जेड एक्सिस की, ऊपर तो जेड एक्सिस पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ जेड एक्सिस नेगेटिव होगा। तो आपको क्या करना है, ये चार आपको समझने हैं, ये चार तो सेम रहेंगे 2D के हिसाब से, थर्ड वाला जो होगा अगर जो पहले चार हैं ऊपर ऊपर वाले हैं तो z पॉजिटिव होगा हर जगह, आप ऐसे समझो पॉजिटिव होगा, लेकिन जहां फिर दोबारा से तुम चार के नीचे नीचे शुरू करोगे तो दैट विल बी फिफ्थ, दैट विल बी सिक्स, दैट विल बी सेवन, इफ यू कैन सी दैट 6 7 और ये वाला 8 होगा, राइट। तो ऑक्टेंट हो गया। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा, जेड क्योंकि नीचे होगा, नीचे वाले तरफ मैंने जो बोला था आपको कट करने के लिए, तो जो नीचे की तरफ होगा दैट विल बी नेगेटिव, प्लस प्लस और माइनस, राइट। यहां पे होगा माइनस प्लस और फिर माइनस, आप बस ये ध्यान रखें शुरू के दो तो सेम होने हैं, बस लास्ट वाले में चेंज होना है, ऊपर के चार में जेड पॉजिटिव, नीचे के चार में जेड नेगेटिव, बस यहां पे माइनस माइनस, नीचे भी माइनस, यहां पर प्लस माइनस और फिर माइनस। तो आप देख रहे होंगे कि ऑक्टेंट मैंने बनाया,
फर्स्ट एक्सरसाइज में आपसे या तो वो इस तरीके की बातें पूछेगा कि वाई जेड प्लेन पे कैसा पॉइंट होता है, या एक्स एक्सिस पे कैसे पॉइंट्स होते हैं, या फिर ऑक्टेंट के बारे में, राइट। तो ये तो एक टॉपिक हो गया आपका। दूसरा, अब ये जो पॉइंट सिस्टम है जो 3D है यानी एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, तो जैसे आप 2D देखते थे, इसको वीडियो को पॉज करके आप ये देख सकते हो। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला देखते थे, आपको याद होगा दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, जैसे पहले होता था x1 y1 z1 आप करते थे और x2 y2 z2, अब नया z आया है, बस इसके बीच में जो डिस्टेंस आपको निकालना है, वो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला पहले था x2 - x1 होल स्क्वायर और y2 - y1 होल स्क्वायर, ये तो आप पहले ही पढ़ते थे दो पॉइंट के बीच में 2D में। बस थर्ड में आपको केवल क्या चेंज करना है, z वाला, और z वाला कितना हो जाएगा, z2 - z1 होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया बेटा हमारा डीप डिस्टेंस का फॉर्मूला। तीसरी चीज हम आप पढ़ते थे वहां पर, क्या पढ़ते थे 2D में, कि सेक्शन फॉर्मूला, राइट। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था कि x1 y1 z1 अगर जो पॉइंट एक पॉइंट है और x2 y2 z2 अगर जो दूसरा पॉइंट है, ये a और ये b है, राइट। यहां पर p के कोऑर्डिनेट आपको चाहिए और यहां पर जो p के कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं xyz है और ये रेशियो है, आप m1:m2 भी ले सकते हो और इजी करने के लिए k:1 भी ले सकते हो। मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर k और 1 कैसे, m1 m2 तो समझ में आता है, हमने 10th में भी पढ़ा। एक्चुअली बेटा m1/m2 को रेशियो कह रहे हो, मैं इसको k लेट करता पूरे को, तो k/1 हो जाएगा, तो इसलिए k अपने आप आ जाता है, k की वैल्यू आने का मतलब है m1/m2 आ जाना, ठीक। इट विल बी लाइक कि जैसे 2/3 2/3 आ गया, तो 2/3 आ गया का मतलब वही m1/m2। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि k लेना है कि m1/m2, k से जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, बस और कुछ नहीं, और बाकी सेम है, आप m1/m2 भी लेके चल सकते हो। हाँ, ध्यान रखिए स्लोप नहीं होना चाहिए, ये केवल रेशियो है m1/m2, आप k1 k2 ले सकते हो, k और 1 भी ले सकते हो, राइट। फॉर्मूला वही रहेगा, मैं आपको बता दूं व्हाट विल बी द फॉर्मूला लाइक दैट विल बी If you want x, तो x1 को कैसे करोगे? m1 x2 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं आप m2 की x1 में, राइट। तो m2 x1 अपॉन m1 + m2। दूसरी, इसी तरीके से सारे सेम आएंगे, आपको देख रहे होंगे आप, y कैसा आएगा बेटा? It will be m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। और z आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ z, क्योंकि जिससे कि ऊपर रहेगा आपको दिखाई देगा। It will be z. What will be m1 z2 + m2 z1 upon m1 + m2। तो ये बेटा हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, यही सेक्शन फॉर्मूला इसे बोलते हैं इंटरनली। अब आपने जैसे वहां शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं बता दूं, यही पॉइंट बाहर होगा तो एक्सटर्नली बोलेंगे उसको, और जब ये बाहर होगा तो इसकी सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को वॉच करके, राइट। तो ये आपका जो सेक्शन फॉर्मूला होना है वो होगा, ये था जैसे मान लीजिए b और a था x1 y1 z1 अगेन, और ये x2 y2 z2 अगेन, राइट। तो यहां पर क्या करना है हमें, वो पॉइंट p बाहर ले जाना है और उसके कोऑर्डिनेट xyz ऑब्वियसली होंगे। देखो यहां a से p तक m1 रख रहे थे आप, राइट, अभी भी आपने m1 ही रखना है, और b से p तक आप m2 रख रहे थे, अभी भी m2 रखना है, रेशियो m1 m2 ही रहेगा। बस फर्क क्या आएगा बच्चों, कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा x निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए x चाहिए, तो जो बड़े वाला रेशियो है m1 उसकी मल्टीप्लाई x से करते थे, बस यहां माइनस साइन आ जाएगा, बड़े वाला पहले लिखेंगे और माइनस साइन, बाकी सब कुछ सेम है, m2 x1 upon m1 + m2। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ये माइनस लगाना है हर जगह, राइट। तो बस माइनस साइन आने से आपका ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नली हो जाएगा, बाहर है तो इस वजह से, और अंदर है तो इंटरनली में प्लस आता है, राइट। अब मैं बात करूंगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आप निकाल सकते हो आराम से,
मिड पॉइंट जैसे कि पहले भी करते थे आप, बिल्कुल सेम सिचुएशन में आप मिड पॉइंट जब लिखोगे तो वो ही सिचुएशन है बेटा, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, राइट। तो मिड पॉइंट चाहिए मान लो a और b का, तो यहां x होगा x1 plus x2 by 2, मतलब आप 1:1 का रेशियो लेके चलोगे। जाहिर सी बात है कि 1:1 का रेशियो आप लेके चलोगे, तो y भी ऐसे निकाल सकते हो y1 plus y2 by 2 और z equals to z1 plus z2 upon 2। तो all the basics of this chapter is included here, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे, आप एक्सरसाइज कर सकते हो डायरेक्ट, बहुत इजी एक्सरसाइज है। आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम आए वो आप इसमें मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, पूछ सकते हो कि उसकी वीडियो मैं डाल सकता हूँ, राइट गाइस। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।